हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और उनके डिफरेंट टाइप्स और उनमें क्या डिफरेंस है और उनके क्या मेन पॉइंट्स हैं, हमने वो डिस्कस किए थे। तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से सेल ज्वाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं, उसी तरीके से जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंपाइल करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इट मींस हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से ही मिलके बना हुआ है। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट में ये चारों टिश्यूज मौजूद होते हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि ऑर्गन्स के अंदर भी जो आपको ट्रेंड दिख रहा है वो इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी मतलब कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ऑर्गन हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे और आगे आते आते किस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशंस हुई हैं। और इसके अलावा अब जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, हमारे सिलेबस में 3 एनिमल्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है अर्थवर्म, देन कॉकरोच एंड देन फ्रॉग। हमने उनकी पूरी डिटेल स्टडी करनी है। डिटेल स्टडी में एक तो हमने करनी है उनकी मॉर्फोलॉजी और एक हमने करनी है उनकी एनाटॉमी। तो पहले तो मैं आपको बच्चों ये क्लियर कर दूं कि मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में क्या डिफरेंस होता है। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो फीचर्स जो आपको दिख रहे हैं, जिनको आप आसानी से नोटिस कर सकते हो, जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसके टीथ कैसे है, मतलब जिस चीज को आप आसानी से देख सकते हो। और अगर हम बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना, कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी क्या मॉर्फोलॉजी है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे आज अपने लेक्चर में जिस एनिमल के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज अर्थवर्म। अगर मैं आपको थोड़ा सा एनिमल किंगडम की तरफ लेके जाऊँ तो आपको याद होगा कि जो अर्थवर्म है दैट बिलोंग्स टू द फाइलम एनेलिडा। और जब मैंने आपको एनिमल किंगडम बताया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक ऐसा स्पेशल फीचर है जो सिर्फ एनेलिडा में पाया जाता है और किसी में नहीं होता, एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट्स। तो जितने भी एनेलिडन्स हैं, इनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होती है और इसके ऊपर छोटी छोटी धारियां होती हैं जो इसकी बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इन इक्वल पार्ट्स को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो दैट दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अर्थवर्म जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहने वाला एक इन्वर्टिब्रेट है, और ये ज्यादातर गीली मिट्टी में पाया जाता है। डे टाइम के दौरान ये छोटी छोटी सुरंग यानी कि गड्ढे बना लेते हैं और उसके अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर गड्ढा करके उसको बार बार निगल के ये उसके अंदर रहते हैं, और गार्डन में भी ये पाए जाते हैं। और बेसिकली हमें पता कैसे लगता है कि किसी भी गार्डन में, किसी भी खेत में अर्थवर्म मौजूद हैं? इनके फीकल डिपॉजिट यानी कि इनके वेस्ट प्रोडक्ट को देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो इंडिया में जो अर्थवर्म मिलते हैं वो जनरली फेरेटिमा और लम्ब्रिकस, इन दो जेनरा के होते हैं। अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है, एज आई टोल्ड यू, और इनकी जो बॉडी है उसमें 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम मेटामेयर्स भी बोलते हैं, और ये सभी सेगमेंट्स आपस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जनरली आप एवरेज में ये मान के चल सकते हो कि 100 से 120 तक हो सकते हैं। इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर, उसकी डोर्सल साइड पे, डोर्सल का मतलब होता है बैक साइड, जो कमर वाला हिस्सा है, तो इनकी बॉडी की डोर्सल साइड पे एक मीडियन मिड डोर्सल लाइन यानी कि बीच में एक मिड डोर्सल लाइन होती है जो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जैसे ऐसी इसकी बॉडी है तो इस तरीके से वो प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जो इनका वेंट्रल सरफेस है यानी कि जो पेट वाला हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है, उस पे जेनाइटल ओपनिंग्स पाई जाती हैं। और अगर आप इसका एंटीरियर यानी कि आगे वाला हिस्सा देखो तो वहां पे माउथ होता है, प्रोस्टोमियम होता है। प्रोस्टोमियम इज ए कवरिंग दैट कवर्स द माउथ, यानी कि माउथ के ऊपर कवर करने के लिए जो एक कवरिंग पाई जाती है उसे हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। इसके अलावा इसमें एक वेज होती है, वेज मतलब आप कह सकते हो कोई भी एक नुकीली सी चीज जो कि सॉइल में इसको गड्ढे करने में हेल्प करती है ताकि आसानी से उसमें एंटर कर सके। अब जैसा कि आपने सुना भी होगा, जो अर्थवर्म है उसकी नोज, उसकी आईज नहीं होते, तो उसमें जो ये प्रोस्टोमियम है यही सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि इसके थ्रू ही वो सेंस कर सकते हैं कि उनके आसपास कोई
प्रीडेटर तो मौजूद नहीं है, और इनके जो बॉडी सेगमेंट्स है, इसके बॉडी सेगमेंट में जो सबसे फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है उसे पेरिस्टोमियम भी बोला जाता है, जो मेनली इनके माउथ यानी कि बक्कल सेगमेंट में पाया जाता है। तो जैसा कि बच्चों आप नेक्स्ट में नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर आप दो पिक्चर देख सकते हो, ए एंड बी। तो यहाँ पर जो ए पिक्चर है दैट इज द डोर्सल व्यू, यानी कि अगर आप उसको बैक साइड से देखो, जैसा कि जनरली आपको अर्थवर्म चलता हुआ दिखता है तो वो उसकी डोर्सल साइड होती है, तो डोर्सल साइड से आपको उसमें क्लियरली जो है सेगमेंट्स दिख सकते हैं। और जो सेकंड पिक्चर है दैट इज द वेंट्रल व्यू, यानी कि अगर आप इसको उल्टा करके इसके पेट की तरफ से देखो तो इसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यहाँ पर एक बीच में भी एक फिगर दी हुई है, इसमें ये जो आपका प्रोस्टोमियम है, जैसा कि अभी हमने बताया था जो प्रोस्टोमियम होता है वो इसके माउथ को कवर करता है, तो यहाँ पर जैसे इसका माउथ दिखाया गया है तो इसके ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको कवर कर रहा है इसे हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। और उसके बाद जो सबसे पहला सेगमेंट है दैट इज द पेरिस्टोमियम। दोनों नेम्स मिलते जुलते हैं बट यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज्ड। अगर हम बात कर रहे हैं माउथ की कवरिंग की तो वो है प्रोस्टोमियम, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो फर्स्ट सेगमेंट की सो दैट इज पेरिस्टोमियम। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आपका वॉर्म मैच्योर होता रहता है तो उसके अंदर ये सारे सेगमेंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। अगर आप इसके 14 से 16 सेगमेंट की तरफ देखो तो आपको एक अलग से बैंड दिखेगा जिसको हम बोलते हैं क्लिटैलम। तो आप ये कह सकते हो कि अर्थवर्म की बॉडी को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा क्लिटैलम से क्लिटैलर रीजन, जो इससे पहले वाला हिस्सा उसे हम बोलेंगे प्री क्लिटैलर, और जो इसके बाद का हिस्सा उसे हम बोलेंगे पोस्ट क्लिटैलर सेगमेंट्स। और इसके अंदर जो ये आपको दिख रहे हैं दीज आर द मेटामेयर्स। इसके अलावा अगर आप इसकी वेंट्रल साइड को देखो तो वहां पर आपको फोर पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल एपर्चर्स दिखेंगे, ऑल्दो उनको डायग्राम में नहीं दिखाया गया, बट जनरली आपको याद रखना है कि इसकी वेंट्रोलेटरल साइड पे, मतलब कि ये जो साइड वाला हिस्सा है, साइड वाले हिस्से में जो फिफ्थ टू नाइन्थ सेगमेंट मतलब नियरली इधर इसकी साइड में स्पर्मेथिकल एपर्चर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसका जो 14th सेगमेंट है, जो बिल्कुल आप देखोगे क्लिटैलम, क्योंकि हमने बताया था 14 to 16 है, तो बिल्कुल जो इसका 14th सेगमेंट है जहां से क्लिटैलम शुरू हो रहा है वहां पर एक छोटा सा छेद होता है, सिंगल छेद होता है, जिसे फीमेल जेनाइटल अपर्चर बोलते हैं, यानी कि जिसके थ्रू इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन होता है। और इसी तरीके से अगर आप देखो तो इसका जो 18th सेगमेंट है उसके ऊपर मेल जेनाइटल अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बट फीमेल के अंदर एक ही छेद था, एक ही अपर्चर था, अपर्चर मीन्स छेद, लेकिन जो मेल जेनाइटल अपर्चर है उसमें आपको दिखेगा पेयर है, यानी कि दो अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपको इसके आसपास जेनाइटल पैपिलाई भी दिखेंगे, और इसकी पूरी बॉडी सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रिडियो पोर्स भी बोलते हैं, जिनका फंक्शन हम अभी बाद में करेंगे। और इसके अलावा फर्स्ट लास्ट और क्लिटैलम, अगर हम इन तीन सेगमेंट को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर एस-शेप्ड सीटें पाए जाते हैं जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपको दिखेंगे। सो दीज आर द सीटें विच हेल्प इन लोकोमोशन। इस फिगर में आप देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा, मतलब ये बीच में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को शॉर्ट करके देख रहे हो तो हो सकता है आपको क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन अगर हम इसको जूम करके देखें तो इसके बीच में आपको इस तरह के दिखेंगे, दीज आर द सीटें जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने बात करी इसकी मॉर्फोलॉजी की, कि आपको एक्सटर्नल लुक में वो किस तरीके से दिखता है। अब हम बात करते हैं अर्थवर्म की एनाटॉमी की। अगर हम अर्थवर्म की बॉडी देखें, अगर आपने कभी ध्यान से केंचुए को यानी कि अर्थवर्म को देखा हो तो आपको उसकी बॉडी जो है चिपचिपी सी और शाइनी सी लगती है। वो इस वजह से है क्योंकि इसकी बॉडी के बाहर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, क्यूटिकल के बिल्कुल नीचे एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे दो मसल की लेयर्स होती हैं और उसके बाद एक और एपिथेलियम लेयर होती है। तो आप ये कह सकते हो सबसे बाहर जो है क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस है, देन दो मसल लेयर्स हैं, देन एपिथेलियम है। तो टोटल आप ये कह सकते हो कि 5 लेयर्स हैं जो इसको आउटर प्रोटेक्ट कर रही हैं, और इसका जो एपिडर्मिस होता है वो एपिथेलियल सेल्स, कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जिसके अंदर ग्लैंड सेल्स होते हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करता है। तो एग्जैक्टली इसका क्या फंक्शन है वो भी हम लेटर ऑन देखेंगे।
अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, क्योंकि आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही जब मैंने आपके साथ अपना डिस्कशन शुरू किया था तो हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात की थी, तो वही चीज मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट करूंगी कि जो जो ऑर्गेनिज्म इस लेसन में हम पढ़ेंगे, हम बारी बारी से उनके जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल देखो तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके फर्स्ट सेगमेंट से लेके बिल्कुल वन सेगमेंट से लेके इसके लास्ट सेगमेंट तक कंटिन्यू होता है। ये जो पिक्चर है ये कंप्लीट नहीं है, 34 सेगमेंट तक ही है, तो 100 टू 120 जितने भी सेगमेंट्स होंगे उन सारे सेगमेंट्स तक ये एलिमेंट्री कैनाल मौजूद रहती है। इनका जो माउथ है वो टर्मिनल होता है, टर्मिनल मतलब एक किनारे पर होगा, और माउथ के बाद बक्कल कैविटी होती है जो इसके 1-3 सेगमेंट तक प्रेजेंट होगी। उसके बाद इसमें फेरिंग्स रीजन होता है और उसके बाद इसमें ईसोफेगस होता है जो आगे जाके गीजड़ में ओपन होता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर दूँ, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि यहाँ 1-3 सेगमेंट है तो मैं इसको रट लूँ, 5-7 सेगमेंट है उसको रट लूँ। हाँ, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है रट्टाफिकेशन पे टाइम नहीं लगाना, आपको इस बात को भी समझ के करना है। और ज़्यादातर इस में से जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो जनरली वन मार्क क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे गीजर का क्या फंक्शन है, या आगे हम करेंगे टिफ्लोसोल का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ गीजर इन अर्थवर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईसोफेगस के बाद एक सर्कुलर सा मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं गीजर। ये क्या करता है, ये जो भी इसने सॉइल खाई है, क्योंकि अर्थवर्म जनरली क्या करता है सॉइल को खा जाता है और अपने वेस्ट के थ्रू वो सॉइल के छोटे छोटे पार्ट्स बना देता है जिसकी वजह से उनमें हवा भर जाती है और जो हमारी प्लांट्स हैं उनको ब्रीदिंग करने में फायदा मिलता है। और इसके अलावा जितने भी लीव्स या प्लांट के पार्ट्स गल सड़ गए हैं ये उनको भी खाता है। तो ये जो गीजर है ये उन सॉइल पार्टिकल्स और जो लीव्स खराब हो चुकी हैं उनको ग्राइंड करने में, मैश करने में हेल्प करता है। गीजर के बाद इनकी स्टमक होती है जो 9-14 सेगमेंट तक होती है। इनकी स्टमक के अंदर भी कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये कैल्सीफेरस ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपको पता होगा कि मिट्टी के अंदर ह्यूमस होती है जो मिट्टी को फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, उस ह्यूमस के अंदर ह्यूमिक एसिड होता है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमस अगर हमारी मिट्टी में होगा यानी कि ज़्यादा एसिड बनेगा तो वो भी हमारी प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो ये क्या करता है, जो इसका कैल्सीफेरस ग्लैंड्स है ये एक्स्ट्रा ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। उसके बाद 15 सेगमेंट के बाद से इसकी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और 15 से लेके इसके एंड सेगमेंट तक इंटेस्टाइन पोर्शन ही चलता रहता है, यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसका इंटेस्टाइनल पोर्शन ही चल रहा है। इंटेस्टाइन के भी जो 26 सेगमेंट है वहां पे हमें छोटे छोटे इंटेस्टिनल सीके दिखते हैं। सीके मतलब कि दो चीजें दिखती हैं जो बाहर की तरफ हॉर्न की तरह निकली होती हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पे टिफ्लोसोल भी दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, मतलब अगर आप इसको देखो तो इसके इंटेस्टाइन में भी टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है। और ये टिफ्लोसोल क्या करता है, इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, सिमिलरली इन केस ऑफ अर्थवर्म टिफ्लोसोल का भी वही फंक्शन है इंटेस्टाइन पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो उसके लिए एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद आता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बाहर ओपन होती है तो उसका जो एंड है दैट इज द एनस, जिसके थ्रू वो वेस्ट को रिमूव करता है। तो क्या होगा, सबसे पहले जो सॉइल है उसको ये जब खाएगा तो वो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगी, वहां पर इसको कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस सॉइल का ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर वो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अर्थवर्म की जो इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन्स है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अर्थवर्म यानी कि फेरेटीमा, अगर आपको मैं इसका एग्जैक्ट बायोलॉजिकल नेम बताऊं तो दैट इज फेरेटीमा पोस्ट्यूमा। तो आपको पता होगा कि जब भी हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं पोस्ट्यूमा
तो आप इसको अंडरलाइन करोगे और इसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा और इसका फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होगा। तो फेरेटीमा में क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि वेसल्स कैपिलरीज हर्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ खून घूमता रहता है। प्रॉपर पाइप्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड की सर्कुलेशन होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से जो ब्लड है वो सिर्फ हर्ट और ब्लड वेसल्स तक ही रहता है और लगातार वो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, जिसकी वजह से ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो गट, नर्व कॉर्ड और बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है। इसके अलावा इसके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम होता है ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करना। इनके ब्लड सेल्स फैगोसिटिक होते हैं। फैगोसिटिक मतलब कि बाहर से कोई भी अगर माइक्रोब आएगा तो ये उस पर अटैक करके उसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे। अर्थवर्म में ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, तो ये अपनी बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू ही, क्योंकि इनकी स्किन गीली रहती है, उसी के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो यहाँ पे बच्चों जो आप देख सकते हो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको सारे डायग्राम्स करने की नीड नहीं है। मेनली जो इसमें आपका डायग्राम इम्पोर्टेंट है, एक तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है और एक जो आपका इसका डायग्राम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, दैट इज नेफ्रिडियल सिस्टम, बिकॉज ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो जो नेफ्रिडिया हैं वो अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब ये जो नेफ्रिडिया मेनली थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, फर्स्ट इज सेप्टल, सेकेंड इज इंटेग्यूमेंट्री एंड देन द थर्ड वन इज फेरेंजियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया की। सेप्टल नेफ्रिडिया जो है ये 15 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाए जाते हैं और ये दोनों तरफ ही होते हैं। देन कम्स इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया जो कि इसकी बॉडी वॉल की जो लाइनिंग है उसके साथ अटैच रहते हैं। एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो कि फेरिंग्स रीजन में, यानी कि 4, 5 और 6 के सेगमेंट के अराउंड पाए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप के नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर सेम होता है। इस वाले टॉपिक में से जनरली जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो या तो ये आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म एंड वेयर आर दे लोकेटेड। तो आपको इसमें थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा कि कौन से सेगमेंट में कौन सा नेफ्रिडिया पाया जाता है या वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो नेफ्रिडिया जो है ये आप कह सकते हो ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि एक्सक्रीशन को कंट्रोल करते हैं कि बॉडी में कितना फ्लूइड्स रहने चाहिए, उनकी वॉल्यूम, उनकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, उसको मेंटेन करता है। जो नेफ्रिडिया है ये इसके बाहर अगर आप देखो तो इसमें एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फनल जैसे आपने देखा होगा ऊपर से ब्रॉड होती है, नीचे से नैरो हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे फनल की तरह ये स्टार्ट होता है और जितना भी एक्सेस फ्लूड है उसको बाहर निकाल देता है। इसकी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनकी हेल्प से ये उस एक्स्ट्रा फ्लूड को बॉडी से बाहर निकाल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम अभी तक बच्चों हम इसके तीन सिस्टम्स पढ़ चुके हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, हमने इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया और हमने इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें नहीं होता, ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। अब फोर्थ सिस्टम जो हम कर रहे हैं दैट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें जनरली गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ नर्व्स होती हैं जो इसकी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती हैं और ये आगे बाइफर्केट करके मतलब कि ब्रांचिंग करके फेरिंग्स के साथ ज्वाइन करती हैं, सेरेब्रल गैंग्लिया के साथ ज्वाइन करती है और ये मतलब बॉडी की जितने भी मस्कुलर रिस्पॉन्सेज हमको कमांड देती है। सेंसरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके अंदर आईज नहीं होती जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट इनमें कुछ रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं जो लाइट और टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि अगर इनके शरीर पे लाइट पड़ती है या टच पड़ती है तो इनका जो प्रोस्टोमियम है वो इनको सेंस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये जो है अपना रास्ता इजली बना सकते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ कीमो रिसेप्टर्स यानी कि टेस्ट रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, जिससे टेस्ट करके इनको ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ इनके खाने लायक है कौन सी नहीं है। और ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं जनरली इनके एंटीरियर यानी कि आगे वाले पार्ट माउथ की तरफ लोकेटेड होते हैं। अब उसके बाद पांचवे नंबर पे हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जैसा कि हमने एनिलिडा में पढ़ा था कि अर्थवर्म जो है हर्माफ्रोडाइट है यानी कि बाइसेक्सुअल है, इट मींस टेस्टिस और ओवरी मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे।
अगर हम देखें तो इसके 10th और 11th सेगमेंट में टेस्टिस के दो पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, और इसके अलावा इनके अंदर वास डिफरेंशिया होता है, मतलब वो पाइप जो इसके अंदर से सारे स्पर्म्स को लेकर जाता है वो 18 सेगमेंट तक रन करता है, और 18 सेगमेंट में जाके वो प्रोस्टेट डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो एसेसरी ग्लैंड्स के दोनों पेयर पाए जाते हैं, मतलब हर चीज़ इनकी पेयर में होगी। तो जब इसके प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट दोनों जुड़ जाती है, यानी कि वासा डिफरेंशिया जो भी हमने बताया था, जो प्रोस्टेट डक्ट में से निकल रहा है और जो स्पर्मेटिक डक्ट है, जब ये दोनों डक्ट आपस में जुड़ जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये 18 सेगमेंट से मेल जेनाइटल पोर्स के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हो जाते हैं, अपना जो भी मटेरियल उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा इनके 6 टू लेके 9 सेगमेंट के बीच में साइड में स्पर्मेथिके प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पर्मेथिका है ये 4 पेयर्स में होते हैं, मतलब 4 इधर और 4 इधर, टोटल 8 स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करके उसको स्टोर रखते हैं, मतलब जिस समय पॉपुलेशन की मेटिंग होती है उस दौरान वो स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करके रखते हैं। और इसके अलावा इनमें ओवरीज भी पाई जाती है, जिसको आप यहाँ देख सकते हो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओवरीज भी पेयर में होती हैं, जो 12 टू 13 सेगमेंट में है। बेटा जो टेस्टिस थी वो 10 और 11 सेगमेंट में थी, जो ओवरीज हैं वो 12 और 13 सेगमेंट पे हैं। इसके अलावा इसमें ओवेरियन फनल्स होती हैं, मतलब फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरीज के बिल्कुल नीचे होता है, जो ओवरीज से एग्स को कलेक्ट करके उसको जाके ओविडक्ट में दे देती है, जो कि फीमेल जेनाइटल पोर्स, जो भी हमने पढ़ा था लास्ट, थोड़ी सी बैक करोगे अगर आप वीडियो को, तो वो फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू ओवरी के अंदर जो बनने वाला मटेरियल उसको बाहर रिलीज करती है। यहाँ पे बच्चों जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज एक्सटर्नल, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी में ना होकर आउटसाइड द बॉडी होती है। तो जिस समय इनकी मेटिंग होती है तो जक्स्ट्रा पोजिशन रहती है, जक्स्ट्रा पोजिशन मतलब कि अगर एक अर्थवर्म का माउथ इधर है तो दूसरा अर्थवर्म उल्टा हो जाएगा, उसका माउथ इधर होगा, इसको हम बोलते हैं जक्स्टा पोजिशन। तो क्योंकि वैसे तो हर्माफ्रोडाइट दोनों सेक्स एक में ही प्रेजेंट है, बट मेटिंग करते टाइम वो अपने ही स्पर्म्स को अपने ही ओवम में नहीं डाल सकता, तो दो अलग अलग वर्म्स जक्स्टा पोजिशन में एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से आ जाएंगे, और इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे कि उनके जो गोनाडियल ओपनिंग्स है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए। अगर एक का यहाँ पे मेल पार्ट विजिबल है तो सिमिलरली उसके फ्रंट में दूसरे का फीमेल पार्ट विजिबल होगा। तो क्या होगा, जो मेल पार्ट है वो स्पर्म्स को रिलीज कर देगा, जो फीमेल पार्ट है वो एग्स सेल्स को रिलीज कर देगा। तो ये जितने भी स्पर्म और एग्स सेल्स और फ्लूइड हैं ये सब जाके कोकून के अंदर जमा हो जाते हैं, जो इसके क्लिटैलम के ग्लैंड सेल्स के द्वारा बना था। क्लिटैलम में से कोकून निकलेंगे, उसके अंदर ये एग और स्पर्म जाके ज्वाइन हो जाएंगे, उसी कोकून के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट होगी, और वो मिट्टी के अंदर तब तक दबा रहेगा जब तक कि डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो वॉर्म से अपने आप को अलग कर लेगा और जाके सॉइल के अंदर ही डिपॉजिट हो जाएगा। जो कोकून है वो अपने अंदर एम्ब्रियोज को स्टोर रखेगा जब तक 3 हफ्ते नहीं हो जाते। 3 हफ्ते के बाद जो ये कोकून है ये बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और एक कोकून में से 2 से लेके 20 तक वॉर्म्स बन सकते हैं। एवरेज मान के चलो तो आप ये कह सकते हो कि एक टाइम पे 4 अर्थवर्म तो कम से कम बनते ही हैं। अर्थवर्म्स जो हैं, और इनमें बेटा डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन है क्योंकि इसमें लार्वा नहीं बनता, सीधा ही जो आपका बेबी है वो सीधा एडल्ट में चेंज हो जाता है। अर्थवर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है क्योंकि फार्मर्स क्या चाहते हैं कि उनकी जो भी फसलें हैं उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, हवा मिलती रहे। उसके लिए ये जरूरी है कि जिस मिट्टी में उन्होंने प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है वो मिट्टी ऐसी हो, हवादार हो, जिसमें ईजिली हवा क्रॉस कर सके। तो अर्थवर्म्स जो है ये सॉइल के अंदर गड्ढे बना देते हैं, सुरंग बना देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल ढीली हो जाती है, पोरस यानी कि उसमें छेद हो जाते हैं, और उससे प्लांट की रूट्स को सांस लेने में, रेस्पायर करने में हेल्प मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पे अर्थवर्म एक तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्मी कम्पोस्टिंग। इसके अलावा जब फिशिंग करी जाती है, मछली पकड़ते हैं, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि जो फिशिंग रोड है, मछली पकड़ने वाली जो छड़ी है उसके आगे एक धागा सा लगा के उस पर कुछ खाने की चीज बांधी जाती है, उस खाने की चीज को हम बोलते हैं बेट। तो मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए भी खाने की चीज में अर्थवर्म को एज अ बेट यूज
कर सकते हैं। तो ये था कि अर्थवर्म हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है।